चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, कोई कंस्ट्रक्शन जॉब पे काम करता है, उसमें क्या है कि उस पर कुछ पेनल्टी लगी हुई है, जुर्माना है, डिले ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ बियॉन्ड दी सर्टेन डेज एट फॉलो। मतलब ये है कि उस पर कोई पेनल्टी लगी है कि उसने डिले किया हुआ है, तो किस तरीके से लग रहा है उसे पेनल्टी, कि 200 रुपये है, 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे और 300 फॉर थर्ड डे एंड etc. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हर दिन के लिए 50 रुपये उसमें ऐड कर दिए जाते हैं प्रीसीडिंग डे में। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ई हैज डिलेड द वर्क 30 डेज। अगर वो 30 दिन तक उसको डिले करता है उस वर्क को, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल हमारी ए पी क्या बन रही है, यहाँ पे ये 200 है फर्स्ट डे का, देन उसमें क्या 50 ऐड हो जाता है, 250, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 300 एंड डेड 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 कहाँ तक हो रहा है, अप टू 30 डेज। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, 30 डेज तक है। तो ए का जो वैल्यू होगा, मतलब फर्स्ट टर्म में हमारी वो कितनी है, 200 है। हमें डी निकालना है, डी बेसिकली यहाँ पे गिवन ही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो 50 रुपये हैं वो हर दिन ऐड हो रहे हैं मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो हम चाहें तो डायरेक्ट डी 50 लिख सकते हैं, वरना आप सेकेंड माइनस फर्स्ट भी करेंगे, 250 माइनस 200 तो भी आपका आंसर 50 ही आएगा, ठीक है ना। और एन, यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एस एन निकालना है, मतलब कि हमें एस 30 निकालना है बेसिकली, है ना। तो हम एस एन निकाल लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एस एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन टू, टू ए की वैल्यू कितनी है 200 है, प्लस एन मतलब वही 30 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 50। तो सिंपल है, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 15, सो ये हो जाएगा आपका 15, और ये 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 400। यहाँ पे कितना बचेगा, 29 ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये कितना आपका 50 है, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, चूँकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 400 प्लस आपका 50 × 29 कितना होगा, 0 का 0 रहेगा, 5 9 5 ज़ा 45 कैरी आया 4, और 5 2 ज़ा 10 तो हो जाएगा आपका ये 14, तो हो जाएगा 1450, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 15, और हो जाएगा 1850। तो इनका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो मैं 15 का कर रहा हूँ सीधा, 0 15 5 ज़ा 75 कैरी कितना आया 7, 15 8 ज़ा 120, 120 और 7 कितना 127 कैरी आया आपका 22, तो 15 1 ज़ा 15 और आपका कितना हो जाएगा 127 था, तो 7 हमने कैरी लिया था 12 आया था, तो 15 1 ज़ा 15 तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 227 27। तो कुल उस पर जो आपका जुर्माना लग रहा है वो